हेलो फ्रेंड्स, एक सक्सेसफुल इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कुछ अच्छी आदतों को फॉलो करता है, लेकिन उन सब सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन हैबिट जरूर होती है जिसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। आपने थॉमस अल्वा एडिसन, कॉर्नल सैंडर्स, स्टीव जॉब, अब्राहम लिंकन, धीरूभाई अंबानी, अमिताभ बच्चन जैसे सक्सेसफुल लोगों का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन सब लोगों की एक कॉमन हैबिट रही है, पता है वो क्या है? तो दोस्तों, वो हैबिट है दे नेवर गिव अप। इन सब लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारे फेलियर का सामना किया है, लेकिन कभी भी उन फेलियरों से डर कर कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने लाइट बल्ब की खोज की थी, लेकिन उस खोज को करने के लिए उन्हें करीबन 1000 बार फेल होना पड़ा था, तब जाके उन्होंने ये कारनामा कर पाए थे। कॉर्नल सैंडर्स, जो कि KFC के फाउंडर है, उनकी पूरी लाइफ स्ट्रगल में चली गई, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए अपनी रेसिपी के दम पर 65 साल की उम्र में अपने ड्रीम को शुरू किया। स्टीव जॉब, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत और अपने नॉलेज की बदौलत इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपनी लाइफ में कई सारे फेलियर का सामना किया है, जैसे कि उनकी वाइफ की डेथ हो जाना, पॉलिटिक्स में भी बार बार हार मिलना, पूरा बिजनेस बंद हो जाना, लेकिन फिर भी वो हार ना मानते हुए संघर्ष की बदौलत प्रेसिडेंट बने। धीरूभाई अंबानी, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो 16 साल की उम्र में एज अ क्लार्क की नौकरी किया करते थे। तब से लेकर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने तक उन्होंने कई सारे फेलियरों का सामना किया, लेकिन कभी भी उन फेलियरों से डर कर पीछे नहीं हटे। अमिताभ बच्चन, जिनकी करियर की शुरुआत में कई सारी मूवी फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार ना मानी और वो काम करते रहे, और आखिरकार सफलता ने अमिताभ बच्चन को चुना। तो दोस्तों, आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, उनमें ये क्वालिटी जरूर होगी। अगर ये लोग भी अगर उनकी लाइफ में हार मान कर या मुसीबतों से डर कर हार मान लेते, तो शायद ये नाम आज हम नहीं सुन पाते। तो दोस्तों, अगर हम इस हैबिट या इस क्वालिटी को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो हम इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।